मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा ही लगाए गए आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर पलटवार करते हुए कहा कि यह उनकी आदत रही है, मुख्यमंत्री को अपने अपडेट बताना होगा, मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करना होगा, उनका कोई काम नहीं हुआ होगा, इसलिए मुख्यमंत्री का दबाव बनाने के लिए ऐसा कहा गया है। और मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं मुकेश सक्सेना की खास रिपोर्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश। सिंह यदि किसी विधायक की बोली लगाते हैं तो इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि का कोई नहीं हो सकता, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये जो विधायकों के लिए 5 करोड़ 25 करोड़ की जो बात हो रही है, मध्य प्रदेश में ना कभी ऐसी संस्कृति रही है और ना कभी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चट्टान की तरह मजबूत हैं, वो अपनी पार्टी जाने, उनकी पार्टी के अंदर कितने गुट हैं, कितने उपगुट हैं, इसके बारे में वो खुद कुछ मालूम। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो चट्टान की तरह, जैसे मैंने कहा, लेकिन विधायकों की इस प्रकार से बोली लगाना, इस प्रकार से उनको रुपयों से तोलना, मैं मान के चलता हूँ ये सबसे बड़ा अपमान है लोकतंत्र का। ये किसी भी नेता के लिए नहीं कर लाए, नहीं सामने लाए, कौन विधायक ऐसे हैं, किसने उनसे संपर्क किया, क्या है क्या नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी स्वतः बहुत बड़े विश्वास के संकट से जूझ रही है, इतने गुट है उनके अंदर के, उनको शंका लगी रहती है कि ये गुट के लोग ना खिसक जाए, फला गुट के लोग न खिसक जाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और इसी की जो परिणति है वो इस प्रकार के बयानों से होती, जैसा दिग्विजय सिंह के अलग अलग गुट के जो आप बता रहे हैं, क्या कोई संपर्क में है क्या सर बीजेपी? मेरे संपर्क में कोई नहीं है, ना मैं संपर्क इस तरह से करता हूँ। आत्मा की आवाज में जिसको साथ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।